और ये जो मैं आपके कंपनी में देख पा रहा हूँ लोग बना रहे हैं, तो ये आप खुद बनवाते भी हैं? हाँ हाँ सर, देखो एक्चुअली क्या है कि हमारी जो डिमांड है मार्केट हमारी बहुत बड़ी है विक्स की। अच्छा, ये काम हो रहा है? ये काम हो रहा है। अच्छा जी, देखा साथियों, कोशिश की हम आपको, क्या आप देख सकते हैं, आपकी सोच मेरी खोज जारी है। साथियों, आप जानते हैं मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूँ, आज इसी तलाश में बनारस चल कर दिल्ली आ चुका हूँ, आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा रोजगार बता पाए, दिखा पाए जो घर बैठे शुरू कर सकते हैं। आप एक छोटी सी मशीन लगा के अपने घर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ये कौन सा मशीन है, क्या काम करती है और आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें इस बिजनेस को देख रही हैं वो बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज इसके बारे में पूरी जानकारी वन बाई वन करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे साथियों को छोटा सा परिचय दीजिए कि आपके कंपनी का क्या नाम है और ये कंपनी कहाँ पर है। सर सर मेरा नाम मोहित कुमार है और मेरी कंपनी का नाम एसके जी एंटरप्राइज है। ये रोहिणी सेक्टर 2 मंगोलपुरी मारवाड़ मार्केट में स्थित है। अच्छा जी, नियर बाय मेट्रो स्टेशन का पड़ता है, पीरागढ़ी और रोहिणी वेस्ट। बिल्कुल सर। सर ये मैं जो देख पा रहा हूँ आपके यहाँ तमाम ऐसे आइटम आप बना रहे हैं, ये क्या आइटम है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये कॉटन विक्स से रिलेटेड हम मशीन बेचते हैं। अच्छा, और ये कॉटन विक्स का ही काम है जो कि हम घर बैठे महिलाएं हों, पुरुष हों, बेरोजगार हों, उनको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, वो जो भी माल बनाएंगी जी जी हम उसको खरीद लेंगे, 5 साल का एग्रीमेंट करके देंगे, पूरा प्रूफ देंगे, नोटराइज करा के देंगे। अच्छा, हम सजेस्ट करते हैं कि आप आओ, देखो, समझो, समझ में काम आए आप तब लो मशीन। आपको अच्छा। समझाया जाता है, मशीन लेने के बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि मशीन को सिर्फ सेल कर देते हैं, मशीन चला के और सीधे सेल कर दिया, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, फिर आप फ़ोन करोगे, लेके जाओगे, 10 काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। बट हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर मशीन लेता है तो मशीन लेने के बाद 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे जितनी की भी ट्रेनिंग होती है, मशीन चलाने की, प्रोडक्शन निकालने की, प्रोडक्शन क्वालिटी की और मशीन रिपेयरिंग की, ये सब इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कस्टमर को। अच्छा, मतलब ये मान लो कि जब भी कोई बिजनेस अपना शुरू करता है तो सबसे पहले आपका काम उसको ट्रेनिंग देना है। जब भी आपसे कोई मशीन लेता है और लेने की कोशिश करता है तो उसको सबसे पहले आप ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू कराते हैं। यस, मैं ये मान लूं कि जब भी आप किसी को मशीन देते हैं तो पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो मशीन ले जाता है आप। बिल्कुल, और फिर अपना काम बिना ट्रेनिंग के हम किसी को भी मशीन नहीं देते। अगर कोई हमसे ऑनलाइन में मंगाता है तो हमारी मशीनों पर एक नंबर लिखा होता है, जब मशीन पहुँचने के बाद तुरंत उस नंबर पर कॉल करना है, डेमो वीडियो आपको मशीन को किस तरीके से चलाना है, रिपेयरिंग वीडियो, सारी हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी। हम मशीन के साथ सैंपल तक देते हैं ताकि कस्टमर को पता हो कि हमने क्या बनाना है, हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, वो कस्टमर को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा, तो हम अपनी तरफ से पूरा फेयर होके चलते हैं। बिल्कुल। और ये जो मैं आपके कंपनी में देख पा रहा हूँ लोग बना रहे हैं, तो ये आप खुद बनवाते भी हैं? हाँ हाँ सर, देखो एक्चुअली क्या है कि हमारी जो डिमांड है मार्केट हमारी बहुत बड़ी है विक्स की। अच्छा, तो उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जी जी, बट हमारी खपत इतनी है क्योंकि हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई, कोई मार्केटिंग करता है, अब वो अच्छा। मार्केटिंग की टीम बढ़ती रहती है तो उसको ऑब्वियसली बात है माल की खपत भी ज्यादा होती रहती जी, है जी, जी, तो उसलिए ज्यादा तो नहीं, कुछ लेडीज है, 5-7 लेडीज है मैंने अपने यहाँ भी लगा रखी है ताकि वो प्रोडक्शन निकालती रहे। और ये जो बाई बैग होगा वो एग्रीमेंट पे होगा? एग्रीमेंट पे, 5 साल के संग एग्रीमेंट होगा और 5 साल की ही मशीन की वारंटी होगी। अच्छा, जब तक उन्हें एग्रीमेंट चल रहा है तब तक की अपनी वारंटी मशीन की रहेगी। तो मैं सर सबसे पहले ये तो हो गया बाई बैग का, बाकी ये बाई बैग का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है किससे बनता है, कौन सी मशीन से बनता है, उसको पहले देखना चाहूँगा। हाँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमारे पास 3 टाइप की मशीन है, उससे आपको दिखाता हूँ। सर सबसे पहले आपने बताया मुझे कि 3 मॉडल की मशीन आपके पास होती है, तो मैं वो 3 मॉडल देखना चाहूँगा, कौन कौन सा मॉडल की मशीन आपके पास। सर पहले तो अपने पास ये मशीन है जो कि गोल बत्ती की मशीन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में राउंड कॉटन विक्स की मशीन बोलते हैं। अच्छा जी, इससे कुछ लोग उसको फूल बत्ती मशीन भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ तो इस तरीके से इस पर विक्स बनती है। अच्छा, ये राउंड बत्ती की, ये राउंड बत्ती बनाती है मशीन, और इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है, इस तरीके से हमें पैक करके देना होता है। अच्छा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और सेकंड में आपको दिखाना चाहूँगा जी, ये लंबी बत्ती में सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अच्छा जी, इसमें आपको एक खासियत बताना चाहूँगा मैं जी जी, कि मशीन तो सब बेचते हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं, बिल्कुल, बट वो इसके संग टैंक नहीं देते, सेमी ऑटोमेटिक संग टैंक नहीं देते, लेकिन हम कस्टमर को परेशान नहीं होने देना चाहते इसलिए सेमी ऑटोमेटिक संग हम टैंक भी देते हैं ताकि अच्छा। बार बार उसको स्प्रे करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, ये लंबी बत्ती का प्रोडक्ट है, इस तरीके से बनता है और इस तरीके से आपको देना है। बहुत अच्छा। और
थर्ड में आपको दिखाना चाहूँगा हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। अच्छा हाँ, ये फुल्ली ऑटोमेटिक लंबी बत्ती की मशीन है, ये देखिए इसमें भी टैंक वैसे ही है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बेल्ट होती है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जी जी, ये जो बेल्ट होती है कपड़े की देते हैं। अच्छा ठीक है, उससे होता क्या है, कस्टमर को परेशानी होती है, कपड़ा हफ्ते भर में 10 दिन में खराब हो जाता है, फिर वो चेंज करवाना होता है। हमारे पास ये नायलॉन की बेल्ट है। अच्छा जी, ठीक है, ये बहुत कई मतलब 1-1.5 साल कहीं नहीं जाता इस बेल्ट को, कई तरीके से चलाया जाए तो 1-1.5 साल तक। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो तीन मशीन मैं देख पा रहा हूँ, तीनों मशीन आपने लॉन्ग बत्ती और ब्राउन बत्ती मुझे दिखा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये तीनों से कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो इसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन बताइए कितना केजी एक दिन में बन सकता है। हाँ, इससे तो ये जो गोल बत्ती की मशीन है इसमें अगर बंदा परफेक्ट हो जाता है तो परफेक्ट होने के बाद अप्रोक्स 2 से 2.5 किलो के अप्रोक्स वो निकाल लेते हैं। अच्छा, इजिली एक दिन में। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा ये लंबी बत्ती की जो मशीन है जिसमें भी सेम वही है, इसमें 2.5 से 3 किलो बंदा आराम से निकाल लेता है परफेक्ट होने के बाद। अच्छा जी, ठीक है। और जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है हमारी लंबी बत्ती वाली, इसमें इसकी जो प्रोडक्शन आती है 1 घंटे में 400 से 500 ग्राम की, मतलब अप्रोक्स 1/2 किलो माल इसमें पर आवर निकलता है। अच्छा, मान लीजिए 8 घंटे चलाए तो 4 किलो माल 4 से 5 केजी। हाँ, 8 घंटे रनिंग पे है तो 4 किलो आराम से माल निकलेगा इसमें। अच्छा जी, ये तो मशीन की कैपेसिटी आपने बता दिया सर। तो सर एक बात मुझे और बताइए कि आपने कहा कि मैं बाई बैक भी करता हूँ, तो बाई बैक किस आधार पर करते हैं कि कितने केजी मटेरियल आप देते होंगे और कितने केजी फाइनल ले पाते हैं? सर ये जो उसका रॉ मटेरियल है आप देख पा रहे हैं ये 300 रुपीज केजी के हिसाब से मिलता है। अच्छा, 300 रुपये केजी आप मटेरियल ऐसे रॉ मटेरियल देते हैं? बिल्कुल, ये 300 रुपये किलो मिलता है अपने पास। जी जी, ठीक है। और जब आप इस तरीके से बत्ती बना के देते हो तो हम 500 में रिटर्न ले लेते हैं आपसे। अच्छा, मतलब 200 रुपया हर पर केजी पे फायदा है। हाँ, और इस मशीन से कहीं 2 केजी रोज बन जाता है तो 400 रुपया का प्रॉफिट है, इजीली कमा सकते हैं। इजीली कमा, बिल्कुल। जो भी 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे काम करना चाहे उसे बहुत ही आसानी से कर। बिल्कुल सर, ये छोटी सी जगह पे इंस्टॉल होने वाली मशीन है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, लेडीज इसको आराम से चला सकती है। जी जी, तो ये सभी पे आपका अलग अलग बाइफर्केट है कि जैसे आप लोग फुल्ली ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, जो जैसा मशीन लेता है वैसा आप उसको देते हैं? यस यस, बिल्कुल। अब इस मशीन की क्या वारंटी गारंटी देते हो सर? जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया जी कि हम 5 साल का एग्रीमेंट करके देते हैं इस पे। अच्छा, तो 5 साल की ही पूरी वारंटी उसकी हमारी रहती है, 5 साल की वारंटी करके देते हैं मशीन की। तो 5 साल की आप बाई बैक का भी एग्रीमेंट कराते हैं और मशीन की भी गारंटी देते हैं? मशीन की भी वारंटी देते हैं। अच्छा जी, तो कोई मशीन लेते हो तो 5 साल का एग्रीमेंट आपको सब मशीन साथ मिलेगा और 5 साल की पूरी तरीके से वारंटी मिलेगी आपको। और हमको लगता है सर ये घर की लाइट से चल जाएगी? सर ये डोमेस्टिक मशीन है। ठीक है, अच्छा। ये सिंगल फेस पे चलती है, आप देख पा रहे हो मैंने नॉर्म प्लग पे लगा रखा है। जी जी, सिंगल फेस पे चलने वाली मशीन है, मतलब ये जो पंखा जिस लाइट पे चल रहा है उसी लाइट पे मशीन चलेगी। उसी लाइट पे मशीन चलेगी। बहुत, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करता हूँ जी जी, तो ये बहुत कम बिजली लेती है। अगर इसकी बात करते हैं तो महीने में मुश्किल से इसके 50 रुपये का बिल नहीं आता। अच्छा, पूरे महीने अगर वर्क करते हो तो। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो 100 से 150 रुपये पूरे महीने का बिल आता है। अच्छा, बस ये इसकी। अच्छा, और इसके लिए जगह की भी जरूरत नहीं है, छोटे से टेबल पे रख के काम किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो सर एक मशीन मुझे चला के दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, ये दो इंच तोड़ने यहाँ से। अच्छा जी, दो पलने यहाँ से, अरे वाह, ये फाइनल हो गया? ये फाइनल हो गया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बस आपको सिंपली इसी तरीके से बनाना है जी जी, और इस तरह की पॉलिथीन में पैक कर देना है, कोई हमारी पाउच पैकिंग नहीं होती। अच्छा, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं नहीं, इस तरीके से नॉर्मल पैक कर देना है, अप्रोक्स 1/2 किलो का पैकेट होता है। अच्छा जी, इस तरीके से नॉर्मल उसको पैक। पैकेट भी आप ही लोग देते हैं? ये सर पैकिंग मटेरियल, वेट मशीन, टूल किट, ये सब हमारी तरफ से रहता है। जितनी भी आप लोग कॉटन खरीदते हो जी जी, वो हर बार हम उसको पैकिंग मटेरियल देंगे उस कॉटन। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर अब नेक्स्ट मशीन क्या दिखा रहे हैं? सर नेक्स्ट मशीन दिखा रहा हूँ आपको, ये लंबी बत्ती की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा जी, ये किस तरीके से चलती है देखो, घरेलू लाइट पे लगा रखी है। जी जी, ठीक है, डोमेस्टिक पे सिंगल फेस पे। अच्छा जी, ये इस तरीके से मशीन को ऑन करा जी, सिंपल हमने यहाँ से ड्रॉप पे सेट कर दिया पानी का जी, ये इसका कटर चालू हो गया, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये अब आने लगेगा। हाँ, कटर चालू करने के बाद ये अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये कॉटन होती है इसकी,
अच्छा जी, देखो कितनी इतनी पतली कॉटन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ये लगाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, सब कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करके एक बार इसमें फीड करा देना है। अभी देखो ऑटोमेटिकली जा रहा है, बिल्कुल। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छा। इस साइड पे आप देख पाएंगे, दिखाना चाहूँगा, कॉटन आ रहा होगा, ये देखो। अच्छा अब आने लगा, अरे वाह बहुत अच्छा। और ये इसकी विक्स की आप क्वालिटी देख सकते हैं, कितनी क्वालिटी की विक्स निकल रही है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं इस मशीन से हट चुका हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस को खाली मेरे को मतलब एक बार लगा के छोड़ दिया जाए तो फिर ये काम करने लगेगा, करने लगेगा बिल्कुल। इसके बाद फिर क्या प्रोसेस सर इसका? सर इसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं कर रहा है, ये कॉटन को है इसको सुखाना है। जी जी ठीक है, इसको सुखाना है, सुखाने के लिए रख देना। क्यों सुखाना पड़ेगा सर? सर क्योंकि ये गीला निकलता है, अच्छा। जो वाटर टैंक लगा है अगर बिना गीले में हम इसको निकालेंगे तो ये बाइंड नहीं होगी। अच्छा ये बाइंड नहीं होगी। जी जी, तो इस तरीके से हमें सुखाना है, सुखाने के बाद इस तरीके से आपको पैक करके देना है। अच्छा बहुत अच्छा, मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अभी आप देख पा रहे हैं मशीन पे कोई भी नहीं, बिल्कुल, और ऑटोमेटिकली मशीन चल रही है। साथियों कोई भी एक भी बंदा आपको दिख नहीं रहा होगा आगे पीछे, कोशिश कर रहा हूँ आपको कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कैसे काम करती है। ये देखना आप, कार्टन लग गया है और यहाँ काम हो रहा है, और देखना सर कितनी दूर खड़े हैं आप, ये देख सकते हैं, और अपने आप ये काम हो रहा है। कोशिश है कि आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाया जाए जो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर पाए। और सर का कहना है कि आप सिर्फ मशीन ले जाएं, मटेरियल ले जाएं, चाहे जितना बनाएं सब कंपनी खरीद लेगी आपसे। तो आज हम सर से कितना आसानी से आपको ये बिजनेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस घर बैठे कैसे शुरू कर सकते हैं। सर अब नेक्स्ट मशीन क्या दिखाएंगे? हाँ, आप सर नेक्स्ट मशीन में दिखा रहा हूँ आपको लंबी बत्ती की सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अच्छा, ठीक है, जिसके बाद थोड़ा बजट कम होता है उसे लंबी बत्ती की ही मशीन चाहिए। जी जी, तो वो इसको ले सकता है। ये मान लो सर कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और ये मैनुअल है? ये मैनुअल है, मैनुअल नहीं, सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। हाँ, इसका देखो ये भी सेम सिंगल फेस पे चलता है। अच्छा जी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बटन ऑन करा, जी कन्वेयर चालू हो गया इसका, जी यहाँ से अपना पानी सेट करा। अच्छा, उसके बाद ये जो कॉटन होती है, ठीक है, जितने भी साइज में हमें चाहिए, जी जी हम बता देंगे इतना तो कॉटन तोड़ना है। पैरामीटर बता दें? पैरामीटर हम बता देंगे, चाहे 3 इंच बनाना है, 4 इंच बनाना है, जी और उसके बाद सिंपली आपको इस तरह रख के और इस तरीके से उसको बनाना है। अच्छा जी, सिंपली मतलब ये हाथ से बनाने वाला? बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते साथियों ऑटोमेटिक, ये भी मान लो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, बिल्कुल। सर इसका क्या प्रोडक्शन बताएं एक दिन का? सर ये देखो एक दिन में जो उसका परफेक्ट जो हो जाता है बंदा, उसका हाँ, जो प्रोडक्शन है वो 2.5-3 किलो आराम से निकाल लेता है। अच्छा, ठीक है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी देर मशीन चला रहे हो, जी वो जी। सब उस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बंदा परफेक्ट हो गया तो 2.5-3 किलो इजीली इस पर निकाल के बना सकते। और इसकी जो पैकिंग देनी है आपको जी, वो इस तरीके से करके देनी है। अब देख, बहुत गुड, इस तरीके से आपको करके देनी है इसके ऊपर। सर रॉ मटेरियल के बारे में आप बात कर रहे थे, रॉ मटेरियल कैसे आप लोग भेजते होंगे? सर रॉ मटेरियल देखिए, इस तरीके का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, ये बेल टाइप कॉटन बोलते हैं इसको, बेल टाइप। इसमें 12.5 किलो का, 15 किलो का भी बैग होता है। अच्छा, ये बैग 30 किलो का है, ये 15 किलो का बैग है, इसमें 12.5 किलो का भी बैग आता है। तो अच्छा, इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट पैक करके भेजते हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से भेजते हैं। सर ये बात तो होगी, देखिए मशीन की रॉ मटेरियल के, ठीक है, और एग्रीमेंट की बात मैंने आपसे समझ लिया, जान लिया कि कैसे लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब कोई फाइनल प्रोडक्ट आपको भेजता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा आता है इसमें? सर देखिए डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर से भेज रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कम खर्चा लगता है। अच्छा, जैसे कोई बंदे बोलते हैं कोरियर से, जी कोरियर नहीं सर, ट्रांसपोर्ट में बहुत कम खर्चा आता है, डिपेंड करता है अगर कोई बंदा महाराष्ट्र से है, जी जी ठीक है, और एक मशीन 50 kg कॉटन से काम स्टार्ट करना चाहता है अपना, जी जी, तो उसका अप्रोक्स खर्चा वो 1000 से 1500 के बीच मान के चलिए, इतना ही ट्रांसपोर्ट। अगर कोई बंदा यूपी से है, जी ठीक है, तो वो भी अपने 1000 रुपये के अंदर अंदर खर्चा मान चाहता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा डिपेंड करता है उसकी लोकेशन से कि वो बंदा किस लोकेशन का है। बिल्कुल सर, तो सर मेरे साथियों को मान लीजिए आपका कहना है कि ये बहुत ही आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और आपका कहना है मैं खुद काम करवा रहा हूँ सर, करवा रहा है। अब देखिए, मैं एक बार ज़्यादा दिखाने की कोशिश करिए, कितनी छोटी सी जगह पे 2 मशीनें रखी हुई हैं। अच्छा देखो, अच्छा ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, देखिए। अच्छा जी, देखना साथियों कोशिश किया हम आपको कि आप देख सकते हैं कैसे काम हो रहा है। अच्छा ये सब मशीन क्यों खाली पड़ा हुआ सर? सर एक्चुअली क्या है, आज छुट्टी है, अच्छा कुछ लेडीजों की आज त्यौहार है, जी जी, तो इस वजह से ये लेडीज छुट्टी पे है। अच्छा जी,
मैम एक बात बताइए कि मान लीजिए आपका फोन जब आता है तब फोन पे भी बात करते हुए आप बना लेती हैं? अच्छा जी, फोन आ गया लगता है आप लोगों का किसी का। तो सर अब मेरा कोई साथी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? सर देखो स्क्रीन पे हमने 4 नंबर दिए हुए हैं। जी जी ठीक है, आप किसी भी नंबर पे किसी भी वक्त कॉल करके पूछ सकते हो, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मशीन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी जाते हो आपको समझ नहीं आ रही है जी, वो आप कॉल करके पूछ सकते हो। बहुत अच्छा सर। सर मेरे साथियों को बेहतर बिजनेस आइडिया बताने के लिए, समझाने के लिए कि वो बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।